नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी ने एक बार फिर से यहाँ पे भर्ती निकाली है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टाटा स्टील में कंपनी में जॉब करने के लिए तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे कैसे जॉब आप लोगों को जॉब मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस यहाँ पे देख पा रहे महिला पुरुष सभी के लिए यहाँ पे जॉब भी कैसे जो निकाली है इस टाटा स्टील कंपनी में। तो सैलरी भी अच्छी खासी स्टार्टिंग में दी जा रही है इस कंपनी की तरफ से 18,000 प्रतिमा के हिसाब से यहाँ पे मिलेगी। लोकेशन जमशेदपुर दोस्तों। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए तो चलिए मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम विजिट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आपको टाटा स्टील करियर वेबसाइट यहाँ पे दोस्तों आपको विजिट करना है। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है टाटा स्टील करियर। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक दिखेगी tatasteel.com। तो दोस्तों इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी यहाँ पे वैकेंसी दोस्तों टाटा स्टील की जो वैकेंसी निकलती है दोस्तों इसी वाली वेबसाइट पर यहाँ पे जो है निकल के आती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दोस्तों एक बीच में दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा दोस्तों स्क्रीन में दोस्तों। इस पर आपको यहाँ पे जो है प्रेस कर देना है। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ पे कंपनी के बारे में यहाँ पे रीड भी कर सकते हो जो भी और फोटोज़ वगैरह यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों कंपनी की। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद, तो टाटा स्टील इंडिया, टाटा स्टील यूरोप। तो दोस्तों टाटा स्टील इंडिया पर आपको यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। तो सो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने फिर से आ जाएगा। यहाँ आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हेयरिंग ड्राइव्स। दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल पर यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों जो भी वैकेंसी जो है खाली हुई हैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जो है निकल के आ चुकी हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों जो भी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं तो आप लोगों के अलग अलग लोकेशन पर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। आप चाहे जिसमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं ओपनिंग जयपुर के लिए दोस्तों हम जमशेदपुर है, और यहाँ पे शिकिंदा के लिए दोस्तों हैं, बहुत सारी वैकेंसीज भुवनेश्वर है दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को दोस्तों अलग अलग लोकेशन पर। भी मोर करेंगे तो और भी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वैकेंसी। तो नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं जमशेदपुर, कोलकाता, खोपली, जोड़ा, और यहाँ पे दोस्तों कोलकाता, दिल्ली के लिए भी है दोस्तों, यहाँ पे डिटेलिंग मैनेजर की है। और गैस यहाँ पे जयपुर के लिए दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। तो दोस्तों आप चाहे जिसके लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैनेजर की भी, एरिया मैनेजर की है दोस्तों भुवनेश्वर के लिए, और गैस यहाँ पे देख पा रहे हैं शिफ्ट सुपरवाइज़र की दोस्तों है जो कि जमशेदपुर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो लोकेशन में जमशेदपुर है दोस्तों, तो इसी जॉब के लिए हमें अप्लाई करने वाले हैं शिफ्ट सुपरवाइज़र के लिए। तो दोस्तों इस पर हम यहाँ पे सिंपली क्लिक किए, तो इस पर क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे रीड कर सकते हैं कैसे आपको काम करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे मांग है दोस्तों, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम यहाँ पे सिंपली क्लिक किए हैं दोस्तों। तो और जॉब के लिए अप्लाई करके दिखाएं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इस पर आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एग्री करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे प्रोसेस, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों पेज ओपन हो गया है फॉर्म भरने का दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे भरना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों अंत तक यहाँ पे वीडियो को देखते रहिए तभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे स्टील कंपनी के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको टाइटल में दोस्तों आपके यहाँ पे एक मेल है, तो यहाँ पे मेल है दोस्तों आपको यहाँ पे MR को यानी कि मिस्टर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप एक लेडीज़ तो यहाँ पे SMT या फिर सीरी भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पे MR यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दोस्तों लिखेंगे, मिडिल नेम है, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखने के बाद दोस्तों अपनी मेल ID यहाँ पे लिखेंगे, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। बहुत ईजी दोस्तों, आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन से जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको HR जो है यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। सिंपली सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे कमा सकते हैं महीने के। सो गाइस यहाँ पे देख पा रहे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, डे है, मंथ, फिर ईयर, जेंडर में मेल फीमेल जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे SC OBC जो भी से जिसके डिग्री से बिलोंग करते अपनी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, करंट सिटी दोस्तों आपकी क्या है, जिला यानी कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस काम करने का, अगर आपको 0 एक्सपीरियंस तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे सिलेक्ट मंथ दोस्तों, करंट एनुअल सैलरी आपको कितनी सैलरी यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी चाहिए दोस्तों, कितनी आपको सैलरी यहाँ पे मिलनी चाहिए अपनी सैलरी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे दोस्तों,
और गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आपको एस नो में जॉब दे देने हैं दोस्तों। तो आर यू करेंटली वर्किंग विथ एनी ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनीज दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जो है जॉब कर रहे हैं पहले से, तो आपको येस कर देना, नहीं कर रहे तो आपको नो कर देना। हैव यू प्रीवियसली वर्क टाटा, तो आपको यहाँ पे नो कर देना। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। तो ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिटेल दे देंगे दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे अपलोड रिज्यूम, तो अपना रिज्यूम यहाँ पे दोस्तों अपलोड करेंगे पीडीएफ फाइल में दोस्तों, जो कि साइज 3 MB में होना चाहिए, और फिर आप क्लिक करके दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका जो फॉर्म होगा सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा टाटा स्टील कंपनी के लिए दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।